no. Hi guys. Welcome to our channel. Suhani with Mommy's Blog. So friends, अभी हुआ इवनिंग का टाइम और मैं ऐसे बैठी थी और दो दिन से फ्रेंड्स मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था. अभी थोड़ा आज थोड़ा तबियत मेरा ठीक है, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स मेरा कुछ भी ब्लॉग दो दिन से नहीं आ रहा था. और फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए साई क्या कर रहा है और सुहानी क्या कर रही है, दोनों भी बैठे हैं और कब से बैठे हैं ये दोनों. तो बोले कि मम्मी और आज ना कुछ चैलेंज वगैरह वीडियो बनाएंगे. तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम में बनाई थी पिज्ज़ा चैलेंज, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो सोची कि आप लोगों ढेर सारा कमेंट देते कि फ्रेंड्स बनाओ, सॉरी आप बोले थे कि बर्गर चैलेंज लाओ, बर्गर चैलेंज. तो मैं सोची कि आज मैं बनाऊंगी बर्गर. तो ठीक है, तो कौन सा वाला बर्गर बनाऊंगी चलो वो तो किचन में जाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कौन सा वाला बर्गर मैं बनाऊंगी. सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मेरे किचन में. तो सुहानी बोलेगी कि आज कौन सा वाला मैं बर्गर बनाऊंगी. आज मम्मी बनाने वाली है तवा बर्गर. आप सभी लोग बोल रहे थे कि पिज्जा हो गया और अगर बर्गर नहीं करोगे तो फिर क्या ही चैलेंज. तो हम लोग लेके आ चुके हैं तवा बर्गर चैलेंज. तो तवा बर्गर बनाने के लिए मैं अभी बनाने, तो तवा बर्गर हम चैलेंज रखेंगे लेकिन उसके लिए अभी बनाना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स. हाँ. तो चलो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी तवा बर्गर, फिर बाद में हम लोग चैलेंज रखेंगे. तो चलो तवा बर्गर के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे सब रखी हूँ प्रिपरेशन करके, आप लोगों को दिखाऊंगी फिर मैं बनाऊंगी. तो बर्गर के लिए बर्गर ब्रेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बर्गर ब्रेड रखी हूँ, इसको आधा हिस्सा काटी हूँ. हाँ तो यहाँ पे हम इसके अंदर हम लोग वो फिलिंग्स भरेंगे. हाँ तो यहाँ पे भरेंगे तो वो तो बाद में भरेंगे. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को चलो आप लोग दिखाऊंगी. तो उसके लिए चाहिए हमको, यहाँ पे मैं ऑलरेडी चॉप करके रखी हूँ ओनियन, हाँ ओनियन, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, टमाटर और कुछ ओरिएंडर लीव्स, बस धनिया पत्ता. ठीक है, और उसके लिए और रखी हूँ यहाँ पे रखी हूँ ग्रेट चीज और बॉयल हुआ आलू और छोटा अदरक लहसुन चॉप करके रखी हूँ. और यहाँ पे तो है हमारा डेली का स्पाइसेस चीज है, जैसे जीरा, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये सब रहता है. तो चलो प्रिपरेशन रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, चलो शुरू करेंगे. चलो मम्मी तवा बर्गर जल्दी से स्टार्ट करो. हाँ आपको भूख लग रहा है ना. हाँ, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमारा पैन गर्म हो चुका है, अभी हम तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल अभी तेल डाल चुके हैं, तेल भी ऑलरेडी गर्म हो चुका है. तो यहाँ पे थोड़ा अभी डालूंगी जीरा, जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अभी हम लोग डालेंगे अदरक और लहसुन जो चॉप करके रखे थे वो भी डालेंगे. तो अच्छे से जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा तब हम लोग प्याज डालेंगे. तो अभी अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, अभी हम डालेंगे चॉप हुआ प्याज. सब प्याज हम नहीं डालेंगे, बाद में अभी यूज करना है तो आधा में डाल चुकी हूँ. तो उसके साथ हम डालेंगे चॉप हुआ कैप्सिकम और वहां पे भी सब डालेंगे, पत्ता गोभी भी डाल देंगे, टमाटर बाद में डालेंगे और थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे. तो सबको ऐसे फ्राई कर देंगे. जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम डालेंगे टमाटर. अभी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है सब वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हम जो चॉप करके रखे थे टमाटर वो अभी डाल देंगे और थोड़ा बचा के रखेंगे, बाद में भी यूज़ करना है. तो अभी टमाटर डाल चुके हैं, अभी सब मसाला डालेंगे, जैसे मिर्ची पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, तीखे के हिसाब से जो जितना खाते हैं उसी हिसाब से मिर्ची पाउडर डालेंगे. तो हमारा जो मिर्ची पाउडर इतना मैं डाल चुकी हूँ और अभी डालूंगी टर्मरिक पाउडर व हल्दी पाउडर. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें अभी डालूंगी पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा गरम मसाला डाल चुके. अब सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सब वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा 5 मिनट ढक के रख देंगे. चलो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है, चलो अभी देख लेंगे, चेक कर लेंगे हमारा अच्छे से वेजिटेबल मतलब सॉफ्ट हुआ है कि नहीं. अभी अच्छे से भुन गए और सॉफ्ट हो चुका है. तो यहाँ पे हम डालेंगे आलू जो बॉईल करके रखे थे वो अभी डालेंगे. तो जिस आलू को बॉईल करके रखी थी तो अभी डाल चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा कोथिंबीर थोड़ा डाल देंगे और सब मसालों को मिक्स कर लेंगे. तो हमारा अभी तैयार हो चुका है टॉपिंग बर्गर ब्रेड के लिए. तो फ्रेंड्स अभी ऑलरेडी हमारा तवा गर्म हो चुका है तो हम लोग बनाएंगे तवा बर्गर, तो ऑलरेडी तवा ही चाहिए. तो यहाँ पे हम थोड़ा तेल डालेंगे, आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल यूज कर रही हूँ. तो उसको थोड़ा फैला देंगे
तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा कोथिंबीर। ठीक है फ्रेंड्स, कोथिंबीर डाल चुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोग डालेंगे बर्गर डाल चुके हैं और जो मसाला हम स्टफिंग के लिए रेडी करे थे अभी उसके अंदर डालेंगे। और थोड़ा जो चॉप करके रखे थे प्याज, आप चाहे तो कुकुम्बर भी डाल सकते हो, मेरे पास जो भी अवेलेबल था वो ही डाल रही हूँ मैं। तो ये टमाटर थोड़ा डाल चुकी हूँ और पनीर जो रखे थे उसको ग्रेट करके अभी उसमें डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ऊपर वाला उसका कवर दे देंगे। ये बर्गर आपके पास में ही मिल जाएगा आपके बेकरी शॉप में। तो इसको यहाँ पे इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा अभी तवा बर्गर ऑलरेडी कुक हो चुका है। अभी सारे बर्गर को मैं इसे बनाऊंगी, तो थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखिए बर्गर अच्छे से सेफ सर्व कर दिया है, देख सकते हैं। और उसके साइड में कौन किया, मम्मी ने की है। हाँ, ठीक। और यहाँ पे हम लोग हमने एक चिप्स भी ले लिया है थोड़ा सा। और बर्गर दो, चिप्स और सॉस। हाँ। पूरा प्लेट फिनिश होना चाहिए। सॉस अपनी मर्जी का रहता ना। और जो भी फिनिश करेगा पहले वो ही जीतेगा। और मैं तो पहले ही, मेरा नाम बहुत ही है, मैं जीत चुकी हूँ, शायद आज भी मैं जीतूंगी। लेकिन पनिशमेंट में हम लोग रखे हैं क्या, आप लोगों को अभी बताएंगे पनिशमेंट। हाँ है, लास्ट टाइम नहीं, तुम्हारे पापा मना करती थी लेकिन इस बार तो करना है। इस बार तो मुझे पनिशमेंट में, पनिशमेंट हम लोग लिए हैं मिर्ची। ओके okay? हाँ। अभी ये आप इसको फिनिश करेंगे, जो भी आप भी हारो, नहीं तो मैं भी हारूंगी। तो ये वाला मिर्ची, बाप रे, मुझे तो मुझे अभी जीतना है। तो वो बात की बात है, लेकिन रूल है कि रूल है पूरा प्लेट फिनिश होना चाहिए। सॉस तो नहीं है ना वैसे, सॉस ऑप्शन है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सब फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मुंह के पास से ले लिया पहले। नहीं नहीं, अभी नीचे रखो, नीचे रखो। तो अभी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 जब बोलूंगी आप सीधा रहो, ऐसे नहीं पकड़ के बैठे जाओ टूट पड़ोगे। तो फ्रेंड्स, 1 2 टिक टिक 3 स्टार्ट। तो मैं अभी जैसे मुझे ठीक लगे मैं वैसे खाऊंगी। कुछ बनाया बर्गर? अच्छा है? ओह नो, वाटर मुझे हेल्प करेगा बर्गर का।
स्ट्रगल मैंने किया, इतना स्ट्रगल मैंने, उस सेकंड के लिए मैं हार गई। आपने जीते, सुती जीता और मामा हाँ। चलो मैं लेकिन पूरा से पूरा गया था पूरा। कोई बात नहीं, अच्छा प्राइस किया उन्होंने। बापरे मेरे बर्गर कैसे लगा मुझे बोलो। दोनों पूरा बराबर थे बर्गर में, दोनों बराबर थे। हाँ, और भी दोनों बराबर थे लेकिन खाना मुंह का जो है ना वो आपका मुंह में रह गया और वो उसने मुंह से जल्दी निकल गया। मैंने पानी में मतलब मुझे पानी और पीते पीते चिप्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने इसलिए पानी पिया। अभी जो पनिशमेंट है। चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग, पापा को बहुत मजा आएगा। एक बार बेटी का हुआ था तो नहीं नहीं बेटा ये नहीं करना पनिशमेंट, आज मम्मी खाएगी तो खा ले खा ले। रुको रुको फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग अच्छे से हटा देते हैं। चलो मम्मी जल्दी मिर्ची खाओ, हमने आपके लिए पानी और सॉस पहले से रखा है, इतना ही बस आ गया। पहले तो खाऊंगी ना, वो बाद की सॉस में कैसे खाऊं इतना तीखा वाला मिर्ची। वैसे भी खाने में, खाने के साथ राइस के साथ ऐसे खा लूंगी, ऐसे कभी नहीं खाएंगे ऐसे खाली वाला मिर्ची। खा चलो पूरा खत्म करना है, पूरा खत्म करना ना पापा। मतलब मैं आपको क्या बोली, मैं फंस गई मिर्ची। बस एक मतलब 1% का दूरी था सॉस। हरे कृष्ण हरे राम, प्रभु मुझे बचा दो। हे प्रभु, मुझे देखने से ऊपर से डर लग रहा है, नीचे से डर लग रहा है। कभी फिनिश करूंगी स्टार्टिंग से नीचे तक। ठीक है तो मैं ठीक है खा लेंगे। चलो खा लेंगे, भगवान साथ दो। इतना अच्छा खाना खाने के बाद मिर्ची लास्ट को। ओह नो, पूरा खत्म करना है। देखी जान खा लिए। बापरे मुझे बहुत डर लग रहा है, स्मेल से डर लग रहा है। आप तो जीते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। पानी पी सकते हो? पानी और सॉस आपके लिए अवेलेबल है, मतलब ठीक है चाहे तो छोड़ ही ना। आ आ बाबा मेरा सर, आ बाप रे इतने दिख, उफ बहुत दिखा है नबरी। आप तो बोल रहे थे मिर्ची कुछ नहीं है, मैं खा लेते थे राइस के साथ। मैं सॉस थोड़ा खा लेती हूं, चलेगा ना? मम्मी ने खाली कब खाया नहीं था राइस के साथ, वो भी इतना इतना मिर्ची खाती थी, बस इतना सा पूरा मिर्ची। पापा मम्मी ने कभी खाया था? मुझे तो मतलब ऐसे हालत हो गया मिर्ची खा के, बाप रे। अभी मिर्ची का पनिशमेंट नहीं रखूंगी, दूसरा कुछ रखूंगी। कौन सा पनिशमेंट रखूंगी वो पहले से क्यों बोलूं, बाद में सोच के बताऊंगी। नहीं मिर्ची का रहेगा। नहीं 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 रे पापा, मेरा हालत पूरा पंचर हो गया। तो आप मतलब एंड नहीं कर पाओगे, कर पाओगे? हाँ आप करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का चैलेंज आपको कैसा लगा, और मम्मी का ये आंसू रोने वाला और मिर्ची खाने का सीन कैसा लगा, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और फ्रेंड्स ब्लॉग भी देखो। हाँ ब्लॉग भी हमारा देखो। हाँ और फ्रेंड्स फुल वॉच करो, आधा काटो मत, और आगे अच्छा अच्छा वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सुहानी का होम टूर दिखाएंगे, बहुत बार आप लोग कमेंट दे रहे थे हमारा होम टूर। हाँ हमारे घर का होम टूर और स्टडी रूम, वो सब आप लोगों आगे आगे वीडियो को देखने को मिलेगा। बैंगल्स कलर आज का चैलेंज में बहुत 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 मजा आया, बिकॉज मैं जीत गई हूँ, मतलब मैं बस 1% का दूरी। और फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट दीजिए कि आप लोग नेक्स्ट चैलेंज में क्या देखना चाहते हो। हम तो मैगी चैलेंज कर चुके हैं, पिज्जा चैलेंज कर चुके हैं, पानी पूरी भी कर चुके हैं, और आज बर्गर वाला तवा बर्गर वाला चैलेंज भी कर चुके हैं। और आज का रेसिपी जो मैं आप बनाई होममेड वाला, आप घर पे ट्राई करें, और कैसे बनाए कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके भी जरूर बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगा न्यू ब्लॉग के साथ, मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग के साथ। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। नहीं बोल के बहुत बोल दिया।